अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक सतरंगी फॉर चैनल। और मैं हूं समीना तारिक। कैसे हैं मेरे सब दोस्त बहन भाई, मेरी यूट्यूब फैमिली? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे अपने अपने घरों में। और जी आज बहुत ही मज़े की वीडियो बनने वाली है। चिकन फ्राई करेंगे, आज फरमाइशी बन रहा है अली की फरमाइश पर। तो ये देखें, इसने ला के धो के कट्स लगा दिए हैं मुझे, काफ़ी काम इसने मेरा आसान कर दिया। तो ये देखें, इसमें थाइस भी हैं और लेग पीस भी हैं। और इसके साथ मैंने लिया है एक प्याली सिरका है और साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसमें से मैं हसबे ज़रूरत यूज़ करूँगी। और जी स्पाइसेस में हैं ये काली मिर्चों का पाउडर है, ये धनिया पाउडर है, नमक है, लाल मिर्च है और क्रश चिली है, और ये साथ में ज़ीरा पाउडर है, और ये है सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, सिरका गिराएंगे इनके ऊपर ताकि ये अच्छी तरह टेंडर हो सिरके की वजह से। ये देखें, ये मिर्चें, ये है लहसुन अदरक का पेस्ट, ये मैंने 2 चम्मच ले लिया। और जी इसके साथ ही नमक है, धनिया पाउडर, काली मिर्चों का पाउडर, ये क्रश चिली, लाल मिर्च, और ये रहा ज़ीरा पाउडर। और ये है गरम मसाला, मैंने ग्लास पैन लिया। और मैं इन सबको ज़रा अच्छी तरह मालिश करूँगी, इनका मसाज भी करूँगी ताकि इनकी थकावट थकावट उतरे। इनको खाया जाना है, इनको बहुत अच्छा सा। थोड़ा सा मैं हल्दी पाउडर भी डाल रही हूँ कलर और टेस्ट के लिए। सिरका मैंने ज़्यादा लिया है ताकि जितना सिरके के अंदर डूबेंगे तो बहुत जल्दी गलने में मदद करेंगे। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा, कोई स्पाइसी खाते हैं कोई कम खाते हैं, क्योंकि बच्चे खा रहे हैं तो थोड़ा कम रखिएगा, अगर बड़े हैं स्पाइसी खाना चाह रहे हैं, क्योंकि जब रोज़ा खुलता है तो दिल करता है हम स्पाइसी ही खाएँ। तो वैसे भी फ्राई थोड़ा स्पाइसी ही अच्छा लगता है। चलो जी, इनको मैंने बहुत अच्छा सा मल दिया है और इसको हम रखेंगे 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको ज़्यादा भी रख सकते हैं, क्योंकि जितना भी ये सिरके के अंदर रखेंगे हम इसको, ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टफुल बनेगा। और अब मैं इसके ऊपर ये देखें थोड़ा सा मैदा डाल रही हूँ, ताकि हमने जो मसाले वगैरह लगाए हैं वो बिल्कुल नीचे नहीं उतरें, इसके साथ ही जुड़े रहें। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम लोग फ्राई करते हैं, मसाले डालते हैं, लेकिन मसाले जो होते हैं वो पानी के साथ बिल्कुल नीचे उतर जाते हैं। ये देखें, ये अभी भी अंडा इसके अंदर ऐड किया तो उसकी जर्दी पहले ख़ुद से ही टूट गई है। और अब मैं थोड़ा सा, ये देखें ऑरिगेनो है, बहुत ही अच्छे टेस्ट के लिए। ये देखें जी, इनको बहुत अच्छा सा मैंने सब कुछ लगा दिया है, मैरिनेट हो गए हैं। और अब मैं इनको 2 घंटे के लिए मुकम्मल रखूँगी,
ताकि अच्छी तरह डूबे रहें। मैंने सीधे बर्तन में इसलिए लगाया ताकि सारी बोटियाँ जो हैं वो अच्छी तरह इसके अंदर डिब हो जाएं और इनके अंदर मसाला जो है वो बिल्कुल एंड तक रच जाए। चलें फिर मिलते हैं 2 घंटे के बाद। 2 घंटे पूरे इसको हो गए और हमने थोड़ा 2 चूल्हों पे 2 जगह पर ऑयल रख के हमने स्टार्ट किया है, तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको। ये अली ही लगाएगा क्योंकि अली काफ़ी एक्सपर्ट है मेरा बेटा ये लगाने में। इसको खाली बिल्कुल सिंपल मैदा है जिसके अंदर ये कोट कर रहा है। मैं भी करती हूँ लेकिन अली बहुत ही परफेक्ट बनाता है। वो दबा दबा के ना इसको इसमें करना है और अब एक दफ़ा पानी में डिप करना है ठंडे पानी में और फ़ौरन से इसको निकाल लेना है। अब फिर इसको बहुत ही दबा दबा के, क्योंकि ये अफ्तारी में बहुत ही टाइम शॉर्ट हो जाता है और हम बिल्कुल रोज़ के रोज़ बना रहे होते हैं, बिल्कुल भी पहले बना के बाद में अपलोड नहीं करते, क्योंकि आजकल रमज़ान है तो कोशिश होती है कि हर चीज़ उसी दिन उसी वक्त बनाई जाए और उसी वक्त अपलोड कर दी जाए। ये देखिए कितने अच्छे क्रम्स आ रहे हैं। अली उठा के दिखाओ ज़रा, ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहे हैं। और ये देखिए ऑयल भी आ गया और दूसरी साइड पर भी हमने ये देखे रखे हुए हैं बनने के लिए, क्योंकि टाइम कम था तो हमने दूसरी साइड पे स्टार्ट कर लिया था और अब हम एक और पीस लेंगे और इसी तरह इन सबको रखते जाएंगे और इनको फ्राई होने पर फिर आपको दिखाएंगे कैसे बने। कर दिया है अली ने और ये देखें अब ये भी जा रहा है कढ़ाई में। बहुत ही अच्छे क्रम्स बन रहे हैं क्योंकि अक्सर हम छोटी छोटी बोटियों के भी बना रहे होते हैं तो बड़ी के भी बनाने चाहिए, ट्राई करनी चाहिए कि किस तरह इनका जो है लुक आती है और क्या, क्योंकि जब हम छोटी बोटियाँ बनाते हैं तो उसके ऊपर गोश्त कम ही होता है और हड्डी बोन ज़्यादा होती हैं। चलिए जब इसको बनने देंगे इसको टाइम देंगे, बिल्कुल मीडियम टू स्लो आंच रखी हुई है हमने, इस पर ये बन रहा है। ज़बरदस्त फ्राई हो गए हैं लेग पीस और मैं इनको डिश आउट कर रही हूँ। इसी तरह दूसरे भी जो हैं वो रेडी हो रहे हैं। देखें जी माशाल्लाह से सारे के सारे जो पीसीज हैं वो फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। देखें इनके क्रम्स कितने ज़बरदस्त क्रम्स बने हैं इनके, ये देखिए आप देख सकते हैं। आप बिल्कुल इसी तरह बनाइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली नई वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।